पीडीएफ बनाने से पहले आप सभी को जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ बनानी है उसकी सारी फ़ोटोज़ कैमरे से क्लिक करनी है। जब वो कैमरे से सारी क्लिक हो जाए उसके बाद जो लिंक मैंने आपको भेजा है पीडीएफ बनाने वाले सॉफ्टवेयर का, उसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और उसको ओपन करना है। जैसे ये ओपन हो गया उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और जब आपने कैमरे से फ़ोटोज़ खींची हैं तो वो आपको कैमरा नाम का फोल्डर मिल जाएगा। जैसे ये रहा, इसको ओपन करो। अब जो ये फ़ोटो है मेरी बुक की साइकोलॉजी की, उसकी फ़ोटोज़ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर इसके ऊपर दबा के रखें, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गई डन। अब यहाँ आपको नीचे कंप्रेस और कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा रहा है, पहले आप कंप्रेस पे ओके करें उसके बाद आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पर। बस अब आपकी ये पीडीएफ बन गई, इसको आप ओपन करके देख लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे अपलोड कैसे करना है। अब ये 9th क्लास के ग्रुप में मैंने लिंक भेजा था तो मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ। और क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है आपने। अब जैसे ये ओपन हो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका सेक्शन कौन सा है। अगर आप 11वीं या 12वीं के हैं तो आप अपनी आर्ट या साइंस जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट की आप अपलोड कर रहे हो वो देख लीजिए, जैसे मैं केमिस्ट्री नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे ब्राउज़ करनी है फ़ाइल, तो मैं यहाँ से वो फ़ाइल ढूँढूँगा। अब यहाँ से आप कैमरा कंप्लीट एक्शन रिकॉर्डर की बजाय फाइल्स ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब जैसे ये खुल गया, यहाँ आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रही है ना ऊपर, यहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास इमेजेस खुलती हैं कुछ ऐसा, ठीक है। आपको ये नहीं खोलना, आपको रिसेंट्स फाइल खोल सकते हैं आप, जहाँ आपको हाल फिलहाल में आपने जो फ़ोटोज़ या पीडीएफ बनाई है वो दिखाई देंगी। इससे अच्छा होगा आप डाउनलोड खोलें। आपके फ़ोन में यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, एसडी कार्ड हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर लेना। और यहाँ मैं सर्च मारता हूँ, लिखता हूँ IMG। और यहाँ आपको फिर नीचे एक फोल्डर है इमेज टू पीडीएफ, इसको ओपन करो और यहाँ जो आपने पीडीएफ बनाई है वो दिखाई देगी, इसको आपने सिलेक्ट करना है। और यहाँ आपकी पीडीएफ आ गई, बस उसके बाद सबमिट पे ओके करो और ये आपकी फ़ाइल अपलोड होनी शुरू हो गई। डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना बड़ा है, फ़ाइल छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। और देखिए जैसे ही फ़ाइल अपलोड हुई यहाँ पे लिखा आ गया ऊपर, फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली।